आज बात कर रहे हैं कि यूपी के आप निवासी हैं या यूपी में आप बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। यूपी की स्टेट काउंसलिंग 85% की बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है। कितना स्कोर चाहिए, कितना रैंक पे मिलेगा, लास्ट ईयर 2023 का लास्ट कट ऑफ बताएंगे। कोई अंदाज़ा ना मैं बताऊंगा और ना ही आपको अदर यूट्यूब या किसी से पूछने की ज़रूरत है। रियलिटी पता चलेगी रिजल्ट आने के बाद, कभी कभी रिजल्ट के बाद भी रियलिटी पता नहीं चल पाती है। काउंसलिंग डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में कितना डिफरेंस है डेट्स का, बहुत निर्भर करता है कि कितने बच्चे डबल ए ट्रिपल सी में जा चुके हैं, कितने स्टेट में आएंगे। तो कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। तो अभी आप केवल 2023 का कट ऑफ देखिए। काउंसलिंग में कोई भी समस्या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज का भी आपको बता देता हूँ कि जस्ट क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पल 150 के आसपास स्कोर आ रहा है, 100% बढ़िया बजट में आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज बीएएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस लेना है तो लास्ट कट ऑफ कितना था ये आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कट ऑफ। यूपी में जो कट ऑफ था वो राउंड वन में ही सबसे कम था, तो आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बीएएमएस की, तो बीएएमएस का जो कट ऑफ था अनरिजर्व के लिए वो 559 था, ओबीसी के लिए 555 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 552 था। ध्यान रखिएगा ये यूपी स्टेट कोटा का कट ऑफ है, एससी 425 और एसटी का 207 था। बात होम्योपैथी की करेंगे तो जनरल के लिए 356 था, ओबीसी 350 था, ईडब्ल्यूएस 328 था, एससी 299 था और एसटी को 140 तक बीएएमएस मिल गया था, सॉरी बीएचएमएस मिल गया था। आयुष की बात करेंगे तो अनरिजर्व को 468, ओबीसी 445, ईडब्ल्यूएस 437 और एससी को 167 तक मिल गया था। तो ये था लास्ट कट ऑफ यूपी स्टेट कोटा बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को लेकर काउंसलिंग करवानी है तब भी बात कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।